बिग बॉस OTT2 सीजन के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को गिरफ्तार करने की जानकारी गलत। पहले ये जानकारी सामने आई थी कि शनिवार को राजस्थान के कोटा में एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह जानकारी सामने आई कि कोटा के सुकेत में ग्रामीण पुलिस ने उसे नाकेबंदी के दौरान पकड़ा जरूर था, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया। बता दें, बीते दिनों नोएडा में सपेरों की गिरफ्तारी के बाद एल्विश यादव पर रेव पार्टी और सांपों की जहर की सप्लाई का संगीन आरोप लगा था, जिसके बाद एल्विश यादव को 3 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। इसी बीच सूचना आई थी कि राजस्थान के कोटा जिले में एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में कोटा की ग्रामीण पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद एल्विश यादव को छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि कोटा झालावाड़ हाईवे पर कोटा की ग्रामीण पुलिस चुनाव को लेकर नाकेबंदी कर तलाश अभियान चला रही है। यह दिल्ली मुंबई रोड है, यहां दूसरे राज्यों के नंबर वाली कारों पर विशेष नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में एल्विश यादव पंजाब नंबर की एक कार लेकर आया था। कार में एल्विश के साथ 3 और युवक सवार थे, जिसे पुलिस ने रोका, पूछताछ की, गाड़ी के पेपर देखे और उसके बाद छोड़ दिया। एल्विश यादव को करीब 20 मिनट तक रोक कर रखा। एल्विश और उसके साथियों ने मुंबई से दिल्ली जाने की बात कही। कहा जा रहा है कि कोटा के ग्रामीण पुलिस को एल्विश पर लगे आरोपों की जानकारी नहीं, नोएडा पुलिस द्वारा एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों की जानकारी भी पुलिस को नहीं। ऐसे में पुलिस ने उसे रोका तो जरूर, लेकिन पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इस पूरे प्रकरण से पुलिस की गलती का होना भी बताया जा रहा है।